इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल PTA से वेरीफाई है या वो वेरीफाई नहीं है। उसके लिए वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। ये जानने के लिए आपको अपने मोबाइल का IMEI जो नंबर है वो चाहिए होगा। वो आप कैसे ले सकते हैं, उसके लिए मैं दो तरीकाकार आपको बता देता हूँ। एक, आप मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद अबाउट डिवाइस में जाएंगे आप। अबाउट डिवाइस के बाद आपने स्टेटस में जाना है और स्टेटस के बाद आपको IMEI इन्फॉर्मेशन इसमें जाना है और यहाँ से ये नंबर आपने नोट कर लेना है। एक तरीका कार ये है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ एक कोड, उस कोड की मदद से भी आप चेक कर सकते हैं। कोड है *#06#। ये कोड डायल करेंगे तो इस तरह IMEI जो नंबर है वो आ जाएगा। इस नंबर को आपने नोट कर लेना है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप किस तरह ये जानेंगे आपका जो मोबाइल है वो PTA से वेरीफाई है या वो वेरीफाई नहीं है। मतलब कि आपके मोबाइल का IMEI जो नंबर है वो फेक तो नहीं है, वो रियल है। ये जानने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने जाना है प्ले स्टोर में और एक एप्लीकेशन की मदद से ये आप आसानी से पता लगा सकते हैं। आपने प्ले स्टोर की सर्च बार में आपने टाइप करना है डिवाइस वेरिफिकेशन। जब आप ये टाइप करेंगे उसके बाद आपने इस वाली एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे, इसको ओपन करें। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे अलाउ करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। अभी आपको देखें यहाँ पे दो चीज़ें बता रहा है, इंटर IMEI नंबर, जो नंबर आपने नोट किया था वो यहाँ पे डालना है। मैं आपको चेक करके भी बता देता हूँ। और एक और तरीकाकार है स्कैन IMEI नंबर। अगर आपके पास मोबाइल का डब्बा अवेलेबल है और उसमें IMEI जो नंबर है उसका स्टिकर लगा हुआ है तो आप स्कैन भी कर सकते हैं। अब मैं आपको स्कैन करके बताता हूँ अगर आपके पास मोबाइल का डब्बा अवेलेबल है तो आप किस तरह स्कैन करेंगे। स्कैन के ऑप्शन पे जाते हैं और इस तरह आप जो डब्बा होगा उसके सामने आप रखेंगे और उसके बाद आपने स्क्रीन पे डबल क्लिक कर देना है। इस तरह ये उसको स्कैन कर लेगा। अभी देखें आपके पास आ गया है तो आपने इसको डन कर देना है। ये देखें IMEI जो नंबर है इसे स्कैन कर लिया है। इसको यहाँ से आप डन करके भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको स्कैन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके अलावा आप यहाँ पे इंटर इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आप इसको जो IMEI जो नंबर है यहाँ पे इसको टाइप करके आप चेक कर दें। डिवाइस IMEI आगे जो नंबर है इज़ वैलिड, इनसेट सिम एंड मेक अ कॉल। ये जो ऑटो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगी। अगर ये एप्लीकेशन वर्क ना करे तो आप मैसेज के थ्रू भी पता लगा सकते हैं। आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाके अपने मोबाइल का IMEI जो नंबर है उसको टाइप करेंगे, उसको सेंड कर देंगे 8484 पे, तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपका मोबाइल जो है वो PTA से वेरीफाई है या वेरीफाई नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।